पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव कन्नौज से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। पति अखिलेश का साथ पाकर जनता के बीच जाकर वोट की अपील कर रही हैं। चुनाव का प्रचार प्रसार जोरों शोरों से चल रहा है और इन सब के बीच डिंपल यादव की निजी जिंदगी से जुड़ी कई बातें निकल कर सामने आ रही हैं। डिंपल, जिन्हें यूपी की भाभी कहा जाता है, उन्हें लेकर बीते दिनों ये खबर आई थी कि उनके पास एक गाड़ी भी नहीं है और अब उनकी और अखिलेश की शादी को लेकर, इनके प्रेम प्रसंग को लेकर जो खबर सामने आई है वो हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट के जरिए बताने जा रहे हैं। गौर हो, इस कहानी की शुरुआत उस वक्त हुई थी जब 25 साल की उम्र में अखिलेश यादव की पहली मुलाकात डिंपल से लखनऊ में हुई। बता दें आपको, डिंपल भाभी उस वक्त 21 साल की थी। जैसा कि कहावत भी है, अक्सर प्यार और पढ़ाई एक साथ चला करते हैं। ऐसे में पढ़ाई के दौरान ही प्यार परवान चढ़ता गया। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। डिंपल को पहली नजर में देखते ही अखिलेश यादव उन्हें अपना दिल दे बैठे। नजरें मिली, दिल धड़का और अखिलेश यादव के दिल ने कहा बस यही है वो। उस समय डिंपल यादव लखनऊ यूनिवर्सिटी में कॉमर्स की पढ़ाई कर रही थी। एक कॉमन फ्रेंड के जरिए इनकी पहली मुलाकात हुई। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और दोनों के मन में शादी करके जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाने की चाहत घर कर गई। डिंपल यादव के पिता एससी रावत लेफ्टिनेंट कर्नल थे, लेकिन अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव नहीं चाहते थे कि यह शादी हो। दरअसल कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा से अखिलेश यादव की शादी करवाना चाहते थे, लेकिन कहा जाता है ना, प्यार कहां किसी की परवाह करता है। अखिलेश ने पिता मुलायम सिंह यादव को मनाने के लिए अपनी दादी का सहारा लिया। अखिलेश ने दादी मूर्ति देवी को अपनी और डिंपल की प्रेम कहानी सुनाई, साथ ही ये भी कहा कि वो अगर शादी करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ डिंपल से ही करना चाहते हैं। और आखिरकार प्यार के आगे मुलायम सिंह यादव को झुकना पड़ा। अखिलेश यादव की मेहनत रंग लाई। तमाम बाधाओं के बावजूद 24 नवंबर 1999 को डिंपल और अखिलेश की शादी हो गई। हालांकि ये बात आपको बता दें, अखिलेश यादव बदलाव की लहर लेखिका सुनीत एरन ने ये जो किताब लिखी है, इसमें अखिलेश और डिंपल की पहली मुलाकात को लेकर कोई और ही तर्क दिया गया है। इस किताब में लिखा गया है कि अखिलेश जब 21 साल के थे, डिंपल 17 साल की थी, स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। दोनों एक दूसरे के साथ कभी नहीं रहे, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के दौरान दोनों ने एक दूसरे को लगभग 4 सालों तक डेट भी किया। SPN 9 न्यूज रूम से मेघा की रिपोर्ट।